आई एम साक्षी, वेलकम टू आवर चैनल, जहां हम लाते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट। जैसा कि आपको बता रहे कि पौराणिक कथाओं पर आधारित फिल्में दर्शकों को आकर्षित करती हैं। वर्तमान में कई फिल्में पौराणिक कथाओं को केंद्र में रखकर बनाई जा रही हैं। ऐसे में ही एक फिल्म है ऋतिक रोशन अभिनीत रामायण। इस फिल्म को लेकर काफी समय से चर्चाओं का बाजार गर्म है। दरअसल खबर आ रही है कि फिल्म मेकर नितेश तिवारी जल्द ही इस फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। वह फिल्म की शूटिंग की तैयारियां शुरू कर चुके हैं। इस फिल्म के निर्देशन की कमान खुद नितेश ने संभाली है। फिल्म में दीपिका पादुकोण और रणवीर कपूर भी नजर आ सकते हैं। फिल्म के निर्देशक नितेश ने कहा है कि वह इस फिल्म की शूटिंग शुरू करने की योजना पर काम कर रहे हैं। नितेश ने कहा, जब भी सही समय आएगा हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि हमने प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है या नहीं। आपको बता दें कि फिल्म में ऋतिक रोशन, रणवीर और दीपिका के शामिल होने के सवाल पर नितेश ने चुप्पी साध ली है। उन्होंने कहा कि मैं इस सवाल पर बिल्कुल भी टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। मशहूर निर्माता मधु मेहताना फिल्म को मेगा बजट में बनाने जा रहे हैं। फिल्म को 300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के बजट में बनाया जाएगा। ये एक 3D रामायण होगी। इस फिल्म में ऋतिक भगवान राम का किरदार निभाएंगे, वहीं दीपिका को माता सीता की भूमिका में देखा जाएगा। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज एंड अपडेट।